दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट टाइम स्ट्रैडल के बारे में, जो कि मेरी वन ऑफ दी पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटजी है, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में अभी बताया था आपको कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रेटजी को कवर करने वाला हूँ, स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और जिसका मैं वेरीफाइड पैनल डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको आज का वेरीफाइड पैनल का चेक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इजीली उसे देख सकते हैं। तो हम लोग बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रेडल स्ट्रेटजी के रूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, साथ साथ में इसका बैक टेस्ट भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसका कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहले जो हमारा आज का पीएनएल है उसे देख लेते हैं। ये जो जैसा कि आपको पता होगा, मैं जितना भी रिजल्ट डालता हूँ ये सारा का सारा स्ट्रेंगल वाली स्ट्रेटजी का डालता हूँ, कंसिस्टेंट रिटर्न है। बीच में अभी थोड़ा बहुत एक दो दिन लॉस आया है, कोई दिक्कत नहीं है, कल प्रॉफिट भी था उससे 3 गुना तकरीबन, और ये देखिए काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न है। आपको अगर ये चेक करना है पेज तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इजली इस पर आकर चेक कर सकते हो। तो मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसकी मैंने स्ट्रेटजी कवर की है। स्ट्रेंगल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो 21 मई की जो वीडियो होगी उसके बारे में, मतलब स्ट्रेंगल के बारे में उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको ईजिली उसे देख लेना है। अब बात करते हैं जो आज की स्ट्रेटजी होने वाली है, आज की स्ट्रेटजी मतलब हमारी सेकेंड बेस्ट स्ट्रेटजी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कुछ मैंने इस तरीके की टेम्पलेट बनाई थी जिससे कि आपको बहुत ईजी होगा। ये मेरी दो टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, एक स्ट्रेंगल है जो कि मुझे लो ड्रॉडाउन पर लो रिटर्न देती है और कंसिस्टेंट रिटर्न देती है, दूसरी है स्ट्रेडल जो कि मुझे जिसका ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा है हालांकि, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। इसका रिटर्न सही बताऊँ तो थोड़ा लंपी है, लेकिन ये ज़्यादा रिटर्न के लिए सबसे बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए रहता है तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा ही कलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर आप स्ट्रेंगल के बारे में जानते होगे तो आपको स्ट्रेंगल OTMs पे ही बनाई जाती हैं, जैसे कि आप 20 रुपये का ऑप्शन सेल कर रहे हो, 25 रुपये का ऑप्शन, मैक्सिमम आप 30-40 रुपये का ऑप्शन सेल कर रहे हो बैंक निफ्टी पर, निफ्टी पे आप 10-12 रुपये का ऑप्शन सेल करते हो। लेकिन जब आपको रिटर्न बढ़ाना होता है और आपको थीटा पर ही प्ले करना है तब आपको ATM स्ट्रेडल्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो थीटा होता है वो ATM स्ट्रेडल पर ही होता है, और सबसे बढ़िया जो रिटर्न मिलता है वो भी यहीं पर मिलता है, सबसे ज़्यादा जो लॉस लगते हैं वो भी यहीं पर ही लगते हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको आपको एग्जीक्यूट कराना है। इसके बारे में मैंने वीडियो में बात किया भी है, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। उससे पहले एक चीज़ और कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वीडियो की रैंकिंग के लिए, तभी मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाऊंगा और भी मेरा जो चैनल है वो प्रमोट होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीज़ कर लेना, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पर, इसीलिए ये होता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा ईजिली और आपके पास अपने आप वीडियोस आ जाया करेंगी। तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की, एंट्री किस तरीके से करनी है। 9:25 पर पहली एंट्री होगी और 11:25 पर एग्जिट हो जाएंगे। जी हाँ, मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है जिससे कि आपका कम फंड में भी काम हो जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं अभी इस ये वाले अकाउंट पे दिखाता हूं। तो देखिए बैंक निफ्टी मैं लगा लेता हूं, इसकी ऑप्शन चेन लगा लेता हूं और यहाँ पर बास्केट मोड एक्टिव कर देते हैं। बास्केट मोड बेसिकली एक फ़ीचर है एंजल का, जहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन चेन से बास्केट में डाल सकते हो अपनी स्ट्राइक्स को। तो अगर मैं दूसरे अगली एक्सपायरी का लगाऊं तो ज़्यादा सही समझ में आएगा, क्योंकि अब तो ये सारे के सारे OTMs जीरो हो गए। अब देखो अभी कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया 9:25 से 11:25 और फिर 11:26 से 13:26। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम बेस्ड स्ट्रेडल अलग तरीके से करते हैं, वो एक दिन में 2 बार या फिर 3 बार एंट्री लेते हैं, लेकिन उनका एग्जिट जो होता है वो लास्ट में 15:15 पर ही होता है। उससे क्या होता है, उससे टाइम एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। अब देखो जैसे कि आपकी कैपिटल सपोज़ 3 लाख रुपये है और आप 1 लाख रुपये में एक लॉट सेल कर रहे हो, एक पेयर सेल कर रहे हो कॉल एंड पुट का, ठीक है, बैंक निफ्टी पर,
तो आप 9:25 पर आप पहला पेयर बनाओगे, ठीक है, वो आपने डाल दिया, वो आपका चलेगा एंड तक 15:15 तक, मतलब कि पूरा दिन कवर किया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वो दूसरा पेयर डालोगे, वो डालोगे आप तकरीबन 11:15 पर या फिर 11:25 पर, जितने भी टाइम भी डालो, अलग स्ट्रेटजी से जैसे लोग करते हैं कन्वेंशनल स्ट्रेटजी से, फिर उसमें होता क्या है, 9:25 से 11:25 का जो थीटा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा दूसरे लॉट पर। और फिर उसके बाद अगर तीसरा लॉट भी डालते हैं, तीसरा पेयर भी डालते हैं, वो 1 बजे के समथिंग डालते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, जो 9:25 से 1 बजे तक का थीटा है वो उसमें नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आप फंड का मिसयूज़ कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन आप इस तरीके से करना है तो आप बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप 1 लाख रुपए में ही सारी चीज़ें कर पाओगे, और आपका जो ATM का स्ट्रेडल है वो भी प्राइस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे कि सपोज़ प्राइस मूव कर जाता है, सपोज़ एक ट्रेंडिंग डे आ जाता है ऊपर या फिर नीचे, आपका ATM, जैसे कि ATM था 47,800, और फिर 2 घंटे बाद आपका ATM हो जाता है 48,200 के समथिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि आपका कॉल तो कट जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया ये चीज़ रहेगी कि आप शिफ्ट कर जाओगे, जैसे क्योंकि आपका स्क्वायर ऑफ मांगेगा, और वहाँ पर आप शिफ्ट कर जाओगे, आप कॉल और पुट दोबारा बनाने का मौका मिलेगा आपको तकरीबन 11:15 बजे। तो इसमें ये फ़ायदा होता है। अब देख लेते हैं कि बेनिफिट मार्जिन में कैसे मिलेगा आपको। मैं दिखाऊं, अगर इसका सेल करते हैं और ये भी सेल करते हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा, 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि प्रीमियम का भी थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो, तकरीबन 1,06,000 पर आपका एक पेयर सेल हो रहा है, और अगर आपको 3 करने हैं तो 3 लाख के समथिंग में हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ मैंने बताई आपको कि अगर आप ऐसा करते हो कि आप बीच बीच में डालते हो ट्रेड और सुबह वाली ट्रेड नहीं डालते हो, तो फिर आप फंड का मिसयूज़ कर रहे हो। तो मेरी वाली स्ट्रेटजी चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है। आपको बेसिकली आ जाना है यहाँ पर सुबह 9:27 के समथिंग, ठीक है। आपको ATM चेक करना है, ATM जो कुछ भी हो, देखिए मैंने 9:25 लिख रखा है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, 9:20 कर लो या फिर 9:27 कर लो, कुछ भी कर लो, 9:25 पर डालना है तो इसी पर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ATM जो कुछ भी हो, जैसे कि अभी ATM 47,800 है, तो आपको इसे सेल कर देना है, डबल सेल, मतलब ये कॉल और ये पुट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये 560 रुपये का है और ये 285 रुपये का है तो ये काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो उतना ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 50% देखिए वैल्यूज़ तो अलग अलग हैं, लेकिन जब वो एक्सपायरी के जितना पास आता जाता है उतना ज़्यादा सही होता जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा का भी फ़र्क पड़ता है, इसका जो डेल्टा होगा वो ज़्यादा होगा और इस वाले का डेल्टा थोड़ा कम होगा जो ऑप्शन छोटा होगा। तो इससे क्या होता है, सारी चीज़ें अपने आप प्राइजन हो जाती हैं, और बैक टेस्ट जब आप करते हो तो आप ATM के हिसाब से करते हो, बैक टेस्ट में भी हर एक चीज़ प्राइजन हो जाती है, तो इस पर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब ये चीज़ आती है कि आपको ये कब कब चलाना है, ये चलाना है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डेज़ टू एक्सपायरी, मतलब 2DTE, 2DTE, 1DTE एंड 0DTE, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी के दिन से 1 दिन पहले और एक्सपायरी के दिन से 2 दिन पहले, ट्यूसडे मतलब मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे बैंक निफ्टी के लिए। और अगर आपको निफ्टी चलाना है तो आप निफ्टी की एक्सपायरी भी कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, इसका आपको मैं बैक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने बैक टेस्ट निकाल दिया है, ये देखिए ये रहा बैक टेस्ट, इसका मैंने 1 साल का बैक टेस्ट निकाल दिया, ओनली एक्सपायरी का, मैं इसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं कि दूसरा वाला कैसे डालना है आपको। दूसरा वाला जब टाइम आएगा ना, तो 9:25 पर आपने ये डाला, स्टॉप लॉस रखना है आपको 50% का। 50% का मतलब जैसे कि आपको 300 रुपये की मिली तो 450 रुपये का SL रहेगा आपको आपका। तो कोई सा भी लेग हिट हो जाता है, जैसे कि कॉल हिट हो गई, तो पुट को आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, इसको डला रहने देना है, उसको काटना आपको 11:25 पर ही है। फिर आपको 11:26 पर दोबारा से आपका जो स्ट्रेडल है उसे दोबारा से बनाना है, और फिर यही सेम रिपीट काम करना है 13:25 पे, फिर 13:26 से आपको 15:17 तक, इस तरीके से आप 3 बार ट्रेड लोगे एक दिन में। टोटल ट्रेड्स आपकी नंबर ऑफ ट्रेड 6 हो जाएंगे, क्योंकि आप एक पेयर सेल कर रहे हो। तो और जो प्रीमियम रहेगा वो ATM रहेगा, 50% या फिर 0.5x का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से आपको ये वाली स्ट्रेडल वाली स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करानी है। अब बात करते हैं इसके PNL के बारे में, क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूँ इस पर। अभी देखिए, अभी इसका जो वेरीफाइड अकाउंट है वो एक्टिव नहीं है,
मैं उसका एक ट्विटर अकाउंट अलग से बना लेता हूँ, जैसा कि मैं इसका दिखाता हूँ वैसे मैं उसका भी दिखाने लगूँगा, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और वो भी चीज़ आपकी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये तकरीबन एक दो वीडियोज़ के बाद से या फिर कल से मैं ट्राई करूँगा कि इसका भी वेरीफाइड पैनल मैं डालने लगूँ, दोनों लोगों का, दोनों स्ट्रेटजीज़ का डालने लगूँ। तो अब जो फोकस, जो मेन फोकस है वो यही है कि इन दोनों स्ट्रेटजीज़ पर फोकस करना है। अब बात आती है कि अगर सारे लोग यही करने लगेंगे तो इसका एज गड़बड़ाएगा या फिर नहीं गड़बड़ाएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, आप टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि मैं 9:25 पे कर रहा हूँ, आप 9:22 पे कर लो, 9:30 पे कर लो, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फ़िलहाल अभी मेरे इतने व्यूअर्स नहीं हैं, इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं आते हैं, तकरीबन 700-800 लोग मुझे फॉलो करते हैं, वही इतने आते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी अभी। तो जब आप मेरा चैनल स्केल अप कर जाएगा उसके बाद मैं और भी आपके लिए स्ट्रेटजीज ले आऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बैक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर हो सकेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियोस में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक साल का बैक टेस्ट ला रहा हूँ, तो उससे क्या रहेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि लोग एक एक महीने का बैक टेस्ट दे देते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना इसके लिए, तो मैं आपके लिए बैक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ कल के एक और वीडियो में।